ఇట్స్ అన్ కంపెనీ లా కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013 बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना है जो कंपनीज एक्ट 13 है ना हमारे पास ये आपको पेपर में 14-15 मार्क्स का हिट करेगा। जो अभी तक का ट्रेंड है पेपर का वो हमें ये बोलता है पेपर का ट्रेंड कि बच्चों एक क्वेश्चन 6 नंबर का आ रहा है, एक क्वेश्चन 4, एक 5 का, इस तरह से पेपर आ रहा है। और जो मैंने अभी तक एनालाइज किया है उसमें क्या है, पेपर बाद वाले पार्ट से ज्यादा आ रहा है, तभी हम रिवीजन बाद वाले पार्ट से कर रहे हैं टॉपिक के, मतलब डॉक्ट्राइंस, प्रिंसिपल्स, इंडोर मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्टिव नोटिस एक्सेट्रा, इस पार्ट से ज्यादा आ रहा है पेपर, तो इसीलिए हम लोग बैक से ही रिवाइज करना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको अभी मेन सारा रिवाइज कराऊंगा, जो छोटे मोटे पॉइंट्स है, छोटी मोटी डेफिनेशन है, बस वो नहीं कराऊंगा, बाकी लगभग पूरा रिवाइज कराऊंगा। ठीक है, छोटे मोटे जो पॉइंट्स है, छोटी मोटी डेफिनेशन है, जो सिंपल सिंपल सी है, और उस पार्ट को नहीं। तो पेपर या तो आ रहा है अभी तक डेफिनेशन पार्ट से, जो शुरू का पार्ट है डेफिनेशन, उससे एक आधा क्वेश्चन जैसे ओपीसी चैरिटेबल, ठीक है, आपके पास प्राइवेट कंपनी, इसके ऊपर केस स्टडी आ रहा है, और फिर बाद में डॉक्ट्राइन से पेपर आ रहा है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस, अल्ट्रा वायरस, इंडोर मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट विल, ये हमारे पास क्या होकर चलते हैं। ठीक है, तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें हमारे पास बैक से, तो पहला क्वेश्चन जो हमने पढ़ा लास्ट में बच्चों बिल्कुल पढ़ा हमने, गारंटी कंपनी और शेयर कैपिटल कंपनी में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर हम मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस की बात करें ना, तो दोनों कंपनी के केस के अंदर सिमिलैरिटी है कि दोनों की लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है, और दोनों के अंदर ही ना, दोनों के अंदर जो है ना कैपिटल हो सकती है, शेयर कैपिटल, वो शेयर कैपिटल विद गारंटी हो सकती है, वो सिर्फ शेयर कैपिटल हो सकती है, वो विदाउट शेयर कैपिटल भी हो सकती है, लेकिन डिसिमिलैरिटी है कि गारंटी जो होती है ना दोनों की अलग अलग तरीके से लिमिटेड होती है, उसमें जितना पैसा अनपेड है जिसमें आपने गारंटी दे रखी है उसमें। दूसरा मेन डिफरेंस ये होता है कि उसका पैसा आप लाइफ टाइम में कभी भी कॉल कर सकते हो शेयर कैपिटल वाला, लेकिन जो उसका पैसा है वो आप लोग वाइंडिंग अप के समय कॉल करके चलते हो, जो आपके पास गारंटी कंपनी होती है। ठीक है, उसके अलावा बच्चों ये मेन पॉइंट है जो आपके पास है, हमने दो दो तीन तीन पॉइंट लिखे होंगे सिमिलैरिटीज के, दो तीन पॉइंट डिसिमिलैरिटीज के, ज्यादा नहीं लिखा होगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन बैक में आता है कॉर्पोरेट विल क्या होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। तो सोलोमन का केस है बच्चों, सोलोमन का केस आ रहा है, उसमें हमारे पास कॉर्पोरेट विल का मतलब ये होता है कंपनी और उसके मेंबर दोनों अलग अलग बातें हैं, कंपनी के काम के लिए कंपनी लायबल होती है, मेंबर डायरेक्टर पर्सनली लायबल नहीं होते, और कंपनी जो भी काम करती है उसके लिए कंपनी लायबल है, डायरेक्टर एजेंट की तरह काम करते हैं, एम्प्लॉय एजेंट की तरह काम करते हैं, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। ये कॉर्पोरेट विल है जो कंपनी बनाने की सबसे बड़ी एडवांटेज है देश में, वो यही है कि आपको कॉर्पोरेट विल की फैसिलिटी अवेलेबल है। फिर कॉर्पोरेट विल के अलावा इसकी जो एक्सेप्शंस हैं, जहां पे कंपनी और मेंबर को एक बना दिया जाएगा, तो इसमें अगर आप ध्यान दोगे पहला तो इवेजन ऑफ टैक्सेस वाला होगा, इवेजन ऑफ टैक्सेस का होगा, इसमें हमारे पास भी दिनशा का केस है, दिनशा इसके ऊपर आपको केस स्टडी क्वेश्चन आ जाएगा। दिनशा एक रिच पर्सन था, उसने 3-4 प्राइवेट कंपनीज बना के अपनी इन्वेस्टमेंट वहां पे फ्लोट कर दी, और जो पैसा वहां पे आता था इंटरेस्ट डिविडेंड की फॉर्म में, लोन की फॉर्म में ले लेता था, और लोन की फॉर्म में लेता था, और साथ में जो लोन का पैसा कभी वापस नहीं देता था, और कंपनी का और कोई काम धंधा नहीं था, तो कंपनी वॉज अ शैम कंपनी, शैम मतलब दिखाने के लिए कंपनी, एक्चुअल वो कंपनी नहीं है। और इसमें क्या हुआ हमारे पास बच्चों, जो इस केस में मैटर कोर्ट में गया, कोर्ट ने बोला कि यहाँ पे दिनशा वो एक ही बात है, कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट कर दिया, अल्टीमेट सारी इनकम दिनशा के हाथ में टैक्सेबल हुई। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाता है केस स्टडी इसके ऊपर, आने के चांस भी है पेपर में, तो आपको दो तीन लाइन में कॉर्पोरेट विल लिखना है, सिर्फ दो तीन लाइन में कॉर्पोरेट विल, और पर्टिकुलर एक्सेप्शन को लिखना है, इवेजन ऑफ क्या टैक्सेस, मतलब प्रोटेक्शन ऑफ रिवेन्यू जो भी है, ठीक है, और उसका लॉ लिखना है और कंक्लूजन वहां पे लिखना है, बाकी आपको लॉ किसी एक्सेप्शन को एक्सप्लेन नहीं करना पेपर के अंदर। सेकेंड आपके पास एनिमी करेक्टर को डिटरमाइन करने के लिए, तीसरा आपके पास नंबर ऑफ मेंबर आपके कम हो जाए, 6 महीने से ऊपर बिजनेस करोगे तो कंपनी और मेंबर क्या बन जाएंगे, एक बन जाएंगे। चौथा आपके पास सब्सिडरी बनाई है, कोई एजेंट बनाया आपने, कोई कॉन्ट्रैक्ट की लायबिलिटी आप इवेड कर रहे हैं, कोई बोनस एक्ट की लायबिलिटी क्या कर रहे हैं, इवेड करना चाह रहे हैं, तो इससे वहां पे भी कॉर्पोरेट विल क्या होती है, लिफ्ट होकर चलती है। तो ये केसेस हैं जहां पे कॉर्पोरेट विल लिफ्ट होती है। तो मैंने आपको स्टडी इंस्टीट्यूट के स्टडी मैटर से ही लिखवाया कि आपको अगर पूरा क्वेश्चन आ जाए तो पहले वाला डिटेल में लिखना है, बाकी वाले सिंपल सिंपल फॉर्म में लिखना है, वो 4 या 5 नंबर का आता है, और अगर केस स्टडी आएगा
तो फिर आपको दिनशा वाले पॉइंट से आएगा, दिनशा का केस तो आप लर्न करके चलना, और कॉपर्ट विल में सोलोमन के केस को आप लर्न करके चलना। समझ आया पॉइंट सभी को? फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल वी हैव इंडोर मैनेजमेंट। बच्चों इंडोर मैनेजमेंट क्या होता है? कंपनी जो है ना, जो कंपनी है, जो कंपनी के साथ डील करता है ना, उसको मेमोरेंडम आर्टिकल की नॉलेज होनी चाहिए, नो नॉलेज ऑफ इंटरनल इरेगुलरिटी होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि जो भी पर्सन कंपनी के साथ डील करेगा, उसको अगर उसने कोई भी काम मेमोरेंडम आर्टिकल के अकॉर्डिंग किया और काम मेमोरेंडम आर्टिकल के अकॉर्डिंग है, तो उसको यह जानने की जरूरत नहीं है कि जो मेमोरेंडम में लिखा है कि यह काम कर सकती है कंपनी, बट उसके लिए कंपनी को एक प्रिस्क्राइब प्रोसीजर फॉलो करना है। तो आपको यह जानकारी लेने की जरूरत नहीं है आउटसाइडर को कि कंपनी ने वो प्रिस्क्राइब प्रोसीजर फॉलो करा है या फिर नहीं करा। काम मेमोरेंडम के अकॉर्डिंग है, इट्स अ ड्यूटी ऑफ कंपनी, वो उसको फुलफिल करे। आपको इंक्वायर करने की कोई भी जरूरत नहीं है कि जो प्रिस्क्राइब प्रोसीजर है फॉलो हुआ है कि नहीं। लेट्स से कंपनी ने काम ठीक से नहीं करा, कर तो सकती थी, वो मेमोरेंडम में लिखा है बट ठीक से नहीं करा, तो कंपनी उसके लिए लायबल होगी। इंडोर मैनेजमेंट का इफेक्ट ये है, ये किसको प्रोटेक्ट करता है? आउटसाइडर को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट दी क्या है, कंपनी है। तो अल्टीमेटली कंपनी की इंटरनल प्रोसीडिंग गलत होने की वजह से कंपनी खुद जिम्मेवार है, आउटसाइडर जिम्मेवार नहीं। वो आपके ऊपर डैमेजेस के लिए क्या फाइल करेगा, क्लेम के लिए फाइल करेगा। इसकी एक्सेप्शंस का मतलब है कंपनी लायबल नहीं होगी, एक्सेप्शंस का मतलब है कंपनी लायबल नहीं होगी। इसमें भी आपको क्वेश्चन ना 6 नंबर में डायरेक्ट, 8 नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूरा। और इसमें केस स्टडी के दो पॉइंट बनते हैं। एक नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, एक हॉवर्ड वर्सेस पेटेड आइवरी कंपनी, कुछ का ऐसा केस होगा आपके पास। उसमें यह था हमारे पास केस के अंदर नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी में कंपनी का रूल यह था, अगर कंपनी को 1000 पाउंड से ऊपर किसी से लेना है, अगर कंपनी को 1000 पाउंड से ऊपर लेना है, तो कंपनी को आपके नॉलेज के लिए उस केस में क्या करना पड़ेगा, उस केस में शेयर होल्डर से परमिशन लेनी पड़ेगी। डायरेक्टर ने 3500 डॉलर जो है ना वो कंपनी को क्या करे, खुद ही लैंड कर दिए और कोई शेयर होल्डर से परमिशन नहीं ली। तो डायरेक्टर को इस बात की नॉलेज थी कि उन्होंने काम ठीक से नहीं किया, दे हैव नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, उनको इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। कंपनी 1000 पाउंड के लिए लायबल होगी, ना कि 3500 पाउंड के लिए क्या होगी, लायबल। और अगर यही केस आउटसाइडर का होता तो आउटसाइडर को पता है कि शेयर होल्डर की अप्रूवल लेनी है, वो कंपनी ने नहीं ली, तो वो कंपनी की गलती है। लेकिन यहां पे आपको नॉलेज ऑफ क्या है, इरेगुलरिटी थी, इसीलिए कंपनी 1000 पाउंड के लिए लायबल होकर चलेगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट फॉर्जरी। फॉर्जरी का मतलब होता है किसी के जाली सिग्नेचर करना, ट्रांसफरर के सिग्नेचर जाली करने को हम फॉर्जरी बोलते हैं। फॉर्जरी में बच्चों क्या होता है, हमारे पास एब्सेंट ऑफ कंसेंट होती है, ना कि डिफेक्ट इन कंसेंट होती है। मैं काम करना नहीं चाहता, किसी ने मेरी जाली साइन कर दी उसके ऊपर, तो ये गलत है। फॉर्जरी वर्ड अब इनिशियो है आपके नॉलेज के लिए। इसमें यह आता है कि कंपनी के अंदर ना कंपनी के सेक्रेटरी ने क्या करा, कंपनी के डायरेक्टर के सर्टिफिकेट साइन शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर कर दिए, तो बच्चों ये बिल्कुल गलत है, कंपनी इसके लिए लायबल नहीं होकर चलेगी। उसके अलावा अल्ट्रा वायरस इलीगल ट्रांजैक्शन के लिए कंपनी लायबल नहीं होती है आपके नॉलेज के लिए। जो काम अल्ट्रा वायरस है, और ये अगर ये प्रूव हो जाता है आपको मेमोरेंडम आर्टिकल की कोई नॉलेज नहीं है, तो भी आपको इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और साथ में अगर सस्पिशियस ट्रांजेक्शन है, उसमें आप फेल टू मेक रीजनेबल इंक्वायरी। एक अकाउंटेंट ने अनंत बिहारी लाल के केस में, अकाउंटेंट ने प्रॉपर्टी बेचने का सौदा कर दिया, तो जो ट्रांजेक्शन सस्पिशियस होती है वहां पे आपको रीजनेबल इंक्वायरी करनी चाहिए। इफ यू फेल टू मेक रीजनेबल इंक्वायरी, तो इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट आपको नहीं मिलकर चलता। पॉइंट समझ आया सभी को? तो 5 केस है, केस स्टडी में 2 हिट करेंगे, या तो फॉर्जरी या तो नॉलेज ऑफ क्या, इरेगुलरिटी, अदरवाइज तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा 5 एक्सेप्शन के साथ। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस सेक्शन 399 बोलता है हमें, कंपनी के मेमोरेंडम आर्टिकल पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो कंपनी के काम के लिए क्या होकर चलेगा। बच्चों कंपनी के मेमोरेंडम आर्टिकल की पूरी नॉलेज है, दीज आर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, एनीवन कैन इंस्पेक्ट द डॉक्यूमेंट इन द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार बाय पेइंग द प्रिस्क्राइब्ड फीस। तो हमें ज़ूम करते हैं कि आपको मेमोरेंडम आर्टिकल की पूरी नॉलेज है, आपने मेमोरेंडम आर्टिकल बिल्कुल ठीक से पढ़ा हुआ है, ठीक से अंडरस्टूड करा है। और अगर आपने मेमोरेंडम नहीं पढ़ा, तो बच्चों अपनी गलती के लिए आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। तो उस केस में ये जो प्रोटेक्शन देता है प्रिंसिपल, ये प्रोटेक्शन किसको देता है, आपकी नॉलेज के लिए कंपनी को देता है, ना कि किसको देता है, आउटसाइडर। अगर आपने बिना मेमोरेंडम पढ़े कंपनी के साथ डील कर लिया और आपको नहीं नॉलेज, तो अपनी गलती के लिए आप खुद ही क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। इट्स योर मिस्टेक, आप ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होकर चलेंगे। पॉइंट समझ आया सभी को? तो बच्चों कंस्ट्रक्टिव नोटिस डायरेक्ट आएगा आपको पेपर में, डिफाइन कंस्ट्रक्टिव नोटिस, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा।
इंडोर निर्माण डायरेक्ट भी आ सकता है, केस स्टडी भी आ सकता है, कॉर्पोरेट बिल डायरेक्ट भी आ सकता है, और क्या आ सकता है आपको केस स्टडी फॉर्म में भी आ सकता है, ठीक है। फिनेक्स प्रिंसिपल अल्ट्रा वायरस एशबरी रेलवे कंपनी कैरेज कंपनी वर्सेज विची का केस है। जो काम मेमोरेंडम के बाहर है, जो काम कंपनीज एक्ट के बाहर है, जो काम इंसिडेंटल नहीं है वो काम अल्ट्रा वायरस है, और जो काम अल्ट्रा वायरस है कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वर्ड है आपके नॉलेज के लिए, और कंपनी उसके लिए लायबल नहीं है। इफेक्ट क्या है, डायरेक्टर की लायबिलिटी क्या है पर्सनल, कंपनी लायबल नहीं है। पर अगर कोई कोई डायरेक्टर या कोई पर्सन अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन करना चाहता है तो कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेके सिंगल मेंबर भी क्या फाइल कर सकता है, सूट। और अगर आपने अल्ट्रा वायरस प्रॉपर्टी लेके रखी है अपने पास तो आपकी राइट आप उसको होल्ड रखो, जिसकी प्रॉपर्टी है उसको वापस क्या करो, रिस्टोर करके चलो। इवन ऑल शेयर होल्डर कैन नॉट रेटिफाई सच अ कॉन्ट्रैक्ट, सारे शेयर होल्डर रेटिफाई नहीं कर सकेंगे। कंपनी का काम रिसर्च करना है, रिसर्च साइंटिफिक रिसर्च डेवलपमेंट करना, ये कोई अल्ट्रा वायरस नहीं होता। मोबाइल का काम है तो लैपटॉप नहीं बेच सकती, मोबाइल का काम है तो स्टील नहीं बेच सकती, स्टील बेचने का कॉन्ट्रैक्ट होगा तो कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल क्या होगा, वॉइड होकर चलेगा, इसको बोलते हैं अल्ट्रा। तो इसमें भी मीनिंग है और इसमें क्या है, इफेक्ट है आपके पास, तो पेपर आएगा मीनिंग इफेक्ट और रिची वाला केस जो है आपको लिखना है, वहां पे नाम और कंक्लूजन लिखना है, सिंस इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और सिंस इट इज अल्ट्रा वायरस कॉन्ट्रैक्ट एज द केस में भी जैसा क्वेश्चन आएगा, और अल्ट्रा वायरस होगा तो कंपनी इज नॉट लायबल क्योंकि ये ऑब्जेक्ट क्लॉज से बाहर है, कंपनीज एक्ट से बाहर है, इट इज नॉट इंसिडेंटल टू अटेनमेंट ऑफ मेन ऑब्जेक्ट, रीजन ये लिखा जाएगा वहां पे जो भी होकर चलेगा। पॉइंट समझ आया सभी को। फिर उसके अलावा फिर बाइंडिंग इफेक्ट क्या होता है हमारे पास, कंपनी का जो मेमोरेंडम आर्टिकल है वो किसको बाइंड करता है, सेक्शन 10 बोलता है हमें कंपनी का जो मेमोरेंडम आर्टिकल है ना वो कंपनी को टुवर्ड्स मेंबर को टुवर्ड्स कंपनी बाउंड करता है, मतलब आउटसाइडर को बाउंड नहीं करता। अगर कंपनी के मेमोरेंडम आर्टिकल में लिख दिया कि ये पर्सन सीए होगा 5 साल तक, ये पर्सन सीएस होगा, ये पर्सन एडवोकेट होगा, तो इससे कोई भी बाउंड नहीं होकर चलता। कंपनी के काम के लिए आपके नॉलेज के लिए जो कंपनी का काम है जो मेमोरेंडम में लिखा है वो टूवर्ड्स कंपनी और मेंबर्स को आपस में बाउंड करता है, और थर्ड पार्टी अलग से कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बाउंड करती है लेकिन मेमोरेंडम के थ्रू बाउंड नहीं करके चलती। ये सेक्शन नंबर 10 में हमारे पास लिखा हुआ है। फिर उसके अलावा अगर हम इसके बिगिनिंग पार्ट पे आ जाएं, शुरू से इस मतलब चैप्टर के डेफिनेशन को छोड़ दें, तो प्रमोशन क्या होती है और प्रमोटर क्या होता है। तो बच्चों प्रमोटर क्या होता है, सेक्शन 269 में जिसका नाम प्रोस्पेक्टस या एनुअल रिटर्न में लिखा हुआ है, जिसके कहने से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काम करते हैं, जिसका कंपनी के ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रमोटर बोलते हैं। और प्रमोटर वो पर्सन होता है जो प्रमोशन की एक्टिविटीज लेता है, जो शुरू से लेके कंपनी बना शुरू की स्टेप से लेके कंपनी बनाने तक सारी एक्टिविटीज पूरी करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रमोटर बोलते हैं। प्रमोटर का जो रिलेशनशिप होता है कंपनी से वो बच्चों ट्रस्ट एंड किसका होता है, कॉन्फिडेंस का होता है। प्रमोटर का जो रिलेशनशिप होता है वो ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस का होता है, और प्रमोटर इसीलिए बच्चों अगर सीक्रेट प्रॉफिट कमाता है कंपनी के काम से तो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करेगी, कंपनी सीक्रेट प्रॉफिट लेगी आपसे और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए क्या फाइल करेगी, सूट फाइल करके चलेगी। तो 3 राइट्स होंगे, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए क्या फाइल करना, सूट फाइल करना और सीक्रेट प्रॉफिट लेकर चलना। उसके अलावा हमारे पास बच्चों अगर कोई भी कंपनी का जो प्रमोटर है, जो उसने टाइम लगाया, जो खर्चा किया, क्या वो कंपनी से वापस ले सकता है, सॉरी वो कंपनी से वापस नहीं ले सकता क्योंकि कंपनी वॉज नॉट इन एग्जिस्टेंस एट दैट टाइम, ही डोंट हैव राइट टू रिसीव सच अमाउंट। बट अगर कंपनी खुद देना चाहे तो दे सकती है इन फॉर्म ऑफ शेयर्स, इन फॉर्म ऑफ कमीशन, इन एनी अदर फॉर्म जो लॉ के अंदर प्रिस्क्राइब है, ठीक है। फिर कंपनी बनने से पहले का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको हम बोलते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। कंपनी बनने से जो पहले का कॉन्ट्रैक्ट होता है ना उसको हम बोलते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन या प्रीमरी कॉन्ट्रैक्ट। वो प्रमोटर करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ प्रपोज कंपनी। तो क्वेश्चन आता है उसके लिए कंपनी लायबल होती है कि नहीं होती। जनरली कंपनी इज नॉट लायबल बिकॉज कंपनी वॉज नॉट इन एग्जिस्टेंस। लेकिन दो केस, अगर फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट होगा या अडॉप्ट बाय वे ऑफ नोवेशन होगा, अडॉप्ट बाय वे ऑफ नोवेशन होगा या फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट होगा तो कंपनी उस केस में क्या होकर चलेगी, आपके नॉलेज के लिए लायबल होगी। अदरवाइज तो प्रमोटर्स आर पर्सनली लायबल, और जब भी वो लायबल होगी कंपनी तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के पॉइंट्स बीच में आ जाते हैं कि वो कंपनी के नाम से होना चाहिए, कंपनी के बेनिफिट के लिए होना चाहिए, कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, थर्ड पार्टी को क्या होना चाहिए, कम्युनिकेट होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास पिछला हमने एक पॉइंट छोड़ा भी कि क्या सब्सिडरी होल्डिंग के शेयर ले सकती है कि नहीं ले सकती। जनरली तो होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी के शेयर लेती है, सब्सिडरी होल्डिंग के शेयर नहीं ले सकती। अगर सब्सिडरी होल्डिंग के शेयर लेगी तो बिल्कुल वर्ड अब क्या होगा, इनिशियो का वर्ड होगा काइंड ऑफ। लेकिन
तीन केस में ले सकती है, जहां पे होल्डिंग सब्सिडियरी के रिलेशनशिप से पहले शेयर ले रखे हो, जहां पे एज अ लीगल हायर हो और जहां पे एज अ ट्रस्टी हो, जहां पे एज अ क्या हो ट्रस्टी हो, तो जहां पे ट्रस्टी है, जहां पे लीगल हायर है, जहां पे वहां पे आप ले सकते हो। लेकिन वोटिंग राइट्स आपके पास दो केस में मिलेंगे आपको, लीगल हायर वाले केस में और ट्रस्टी वाले पहले वाले रिलेशनशिप वाले केस में आपको वोटिंग राइट के राइट्स नहीं मिलकर चलेंगे। पॉइंट समझ आया सभी को? फिर उसके बाद बच्चों हमारे पास, बच्चों इस चैप्टर में अगर हम बात करें मेमोरेंडम आर्टिकल क्या होता है, मेमोरेंडम मींस मेमोरेंडम ओरिजिनली फ्रेम एंड ऑल्टर फ्रॉम टाइम टू टाइम, और ये चार्टर है, फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है जिसके बेस पे कंपनी बनी है, कंपनी का चार्टर है। तो बच्चों मेमोरेंडम के फॉर्म्स होते हैं टेबल ए से लेके ई तक, टेबल ए से ई तक होते हैं, शेड्यूल वन के अंदर इनके फॉर्म्स होते हैं। मेमोरेंडम के क्लॉजेस होते हैं, नाम क्लॉज से नाम पता लगता है, ऑब्जेक्ट क्लॉज से ऑब्जेक्ट पता लगता है, कैपिटल से कैपिटल पता लगती है हमें, लायबिलिटी से लायबिलिटी पता लगती है, नॉमिनेशन ओपीसी के केस में होता है, और सिचुएशन क्लॉज का मतलब यह है कि कंपनी किस स्टेट में रजिस्टर्ड है। तो पूरा एड्रेस नहीं आता मेमोरेंडम में, हमेशा हमेशा सिर्फ स्टेट का नाम आता है मेमोरेंडम में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक नंबर का आपको आ सकता है, तो स्टेट का नाम आता है ना कि पूरा आकर चलता है पूरा एड्रेस। आर्टिकल में रूल्स होते हैं, रूल्स रिगार्डिंग द गवर्निंग एंड फंक्शनिंग ऑफ कंपनी, इसको हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बच्चों हमारे पास जो टेबल होता है, वो टेबल नंबर आपके नॉलेज के लिए, टेबल नंबर हमारे पास बच्चों एफ से शुरू हो जाता है और टेबल की सीरीज शुरू हो जाती है। आर्टिकल में रूल्स होते हैं कंपनी के जितने काम्स है, प्रीमियम पे इशू करना, कॉल के रूल्स, फॉरफीचर के रूल्स, डिस्काउंट के रूल्स और मीटिंग्स के रूल्स, शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के रूल्स, सब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर ही होकर चलते हैं। और आर्टिकल्स में एंट्रेंचमेंट प्रोविजन होता है, एंट्रेंचमेंट का मतलब होता है आप चाहो तो आर्टिकल को ज्यादा स्ट्रिक्ट बना सकते हो, लाइक से लॉ में लिखा है कि इस काम के लिए आपको एसआर पास करना है, 75% वोटिंग पावर शेयर होल्डर से प्रूव करानी है, तो आप अपने आर्टिकल में ये कह सकते हो इसके लिए 80% चाहिए, इसके लिए 90% चाहिए, इसके लिए 95% अप्रूवल चाहिए, आप ऐसा कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन ये एंट्रेंचमेंट प्रोविजन आपको कब क्रिएट करने होते हैं, या तो कंपनी बनते समय, या फिर आपके नॉलेज के लिए, जब आपके नॉलेज के लिए, या तो कंपनी बनते समय, या फिर जब आपने पब्लिक कंपनी के केस में एसआर पास करके और प्राइवेट कंपनी में सभी के कंसेंट से आप एंट्रेंचमेंट प्रोविजन क्या कर सकते हो, लेटर ऑन इंट्रोड्यूस करके चल सकते हो कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर। उसके अलावा बच्चों हमारे पास अगर हम और शुरू के पार्ट पे आ जाएं, ओपीसी एक चीज ध्यान रखना, नेचुरल पर्सन रेजिडेंट और भारत का सिटीजन ही मेंबर होगा और वहीं पे नॉमिनी होगा, दोनों के लिए सेम कंडीशन है, छोटा बच्चा माइनर नॉमिनी मेंबर नहीं हो सकता, एक पर्सन एक साथ एक कंपनी में मेंबर एक में नॉमिनी हो सकता है आपकी नॉलेज के लिए। अगर आपने कोई ओपीसी बनाई हो तो ओपीसी को अपनी इच्छा से अगर आप दूसरी फॉर्म ऑफ कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 2 साल बाद कन्वर्ट कर पाओगे, 2 साल से पहले कन्वर्ट नहीं करके चल पाओगे। लेकिन अगर आपकी पेड अप कैपिटल 50 से ऊपर हो जाती है या आपके टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर हो जाती है तो 6 महीने में आपको कंपल्सरी कन्वर्जन करना पड़ेगा और ओपीसी नॉन प्रॉफिट कंपनी एनबीएफसी बैंकिंग कंपनी में कन्वर्ट नहीं होकर चल सकती। समझ आया पॉइंट? तो केस स्टडी इस पे माइनर के पॉइंट पे आ जाएगा, नेचुरल पर्सन के पॉइंट पे आ जाएगा, साथ में ओपीसी की टर्नओवर 50 लाख से ऊपर हो गई या फिर पेड अप कैपिटल 2 करोड़ से ऊपर हो गई तो आपको कंपल्सरी 6 महीने में कन्वर्ट करना, अदरवाइज तो आपको 2 साल वेट करना पड़ेगा, तब तक आप कन्वर्ट नहीं करके चल पाओगे आपके नॉलेज के लिए। पॉइंट समझ आया सभी को? फिर उसके अलावा डॉर्मेंट कंपनी एक वो कंपनी होती है बच्चों जो तो इनएक्टिव कंपनी है या कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बनी है या फिर कोई प्रॉपर्टी होल्ड करने के लिए बनी है या कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होल्ड करने के लिए बनी है। इनएक्टिव कंपनी का मतलब उसकी कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है 2 साल तक, 2 साल तक लगातार बैलेंस शीट एनुअल रिटर्न की कॉपी उसने फाइल नहीं करी तो वो डॉर्मेंट बन जाएगी। पर डॉर्मेंट का स्टेटस लेने के लिए आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, मिनिमम डायरेक्टर आपकी कंपनी में होने चाहिए, आरओ की जो आरओसी की जो फीस है वो आपको पे करनी पड़ेगी, वो सब रिक्वायरमेंट्स यू नीड टू फुलफिल टू ऑब्टेन द स्टेटस ऑफ डॉर्मेंट कंपनी एंड 5 साल के अंदर आपको एक्टिव होना पड़ेगा, इसको हम डॉर्मेंट कंपनी बोलते हैं। फिर हमारे पास सब्सिडरी कंपनी वो होती है आपके नॉलेज के लिए जहां पे होल्डिंग कंपनी के आधे से ज्यादा डायरेक्टर को उस कंट्रोल हो, हटाने या अपॉइंट करने की पावर हो, आधे से ज्यादा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल करेगा तो उसका होल्ड हो जाएगा। और सेकंड थिंग, आपने 50% से ज्यादा इक्विटी शेयर कैपिटल होल्ड करी हो, वोटिंग पावर ली हो तो आपका होल्ड हो जाएगा। और जो 50% आपको लेना है
वो अलॉन्ग विद सब्सिडी लेना, अलॉन्ग विद क्या लेना है, सब्सिडी। तो मान लो आपने किसी कंपनी में 35% शेयर ले रखे हैं और आपकी सब्सिडी ने 20 दे रखे हैं, तो 35 और 20 आप में काउंट होंगे, टोटल कितने 55, और आप पर वो कंपनी भी क्या बन जाएगी, होल्डिंग और सब्सिडी। एक लिमिट से ऊपर लेयर नहीं होगी, दो लेयर तक आपकी अलाउड है, और हॉरिजॉन्टल तो हो सकती है लेकिन वर्टिकल लेयर दो ही होनी चाहिए। लेकिन दो लेयर की भी एक्सेप्शन है, आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया के लिए आपके पास क्या है, एग्जम्पशन है, और अगर होली ओन सब्सिडरी हो तो उसके लिए भी क्या है, एग्जम्पशन है। एक लेयर के लिए आपके पास एग्जम्पशन है। लेयर पे हमें इतना क्वेश्चन नहीं मिलेगा, मेन डेफिनेशन पे क्वेश्चन मिलेगा, ठीक से पढ़ना, ये 50% से ऊपर और आधे से ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसके ऊपर आपको केस स्टडी क्वेश्चन मिल जाएगा। प्राइवेट कंपनी आपके नॉलेज के लिए, वो कंपनी जिस कंपनी के अंदर मैक्सिमम 200 मेंबर होते हैं, आर्टिकल में रिस्ट्रिक्शन होती है बोर्ड शेयर ट्रांसफर में और पब्लिक से पैसा नहीं ले सकते, लेकिन ध्यान रखना 200 मेंबर वाले पॉइंट पे आपको केस स्टडी आ जाएगा। 200 मेंबर में पॉइंट ये है, जॉइंट होल्डर काउंटेड एज क्या, 1, और एम्प्लॉइज जो एम्प्लॉयमेंट की वजह से मेंबर बना है, जो एम्प्लॉयमेंट की वजह से मेंबर बना है, इवन उसकी एम्प्लॉयमेंट जा भी चुकी है, उनको 200 में आपने काउंट नहीं करने। 200 से ऊपर होते डीम टू बी पब्लिक कंपनी आएगी, और 200 से नीचे या 200 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ज्वाइंट होल्डर्स एज 1, और साथ में एम्प्लॉयमेंट की वजह से जो लोग मेंबर बने हैं उसको काउंट नहीं करना, चाहे उनकी एम्प्लॉयमेंट जा भी चुकी है तो भी, ठीक है। साथ में हमारे पास पब्लिक कंपनी, बच्चों जो प्राइवेट नहीं हो, पब्लिक कंपनी है, मिनिमम पेड अप कैपिटल ना पब्लिक में है ना ही क्या है, प्राइवेट में है, डिफरेंस हमने दोनों का पढ़ा हुआ कि पब्लिक प्राइवेट क्या होता है। फॉरेन कंपनी जो रजिस्टर्ड बाहर है और जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया फॉर कैरिंग ऑन एनी बिजनेस एक्टिविटी इंक्लूडिंग जो ऑनलाइन फॉर्म में भी काम करती है, उसकी लिस्ट वहां पर लिखी हुई है, उसको हम क्या बोलते हैं, फॉरेन कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी जहां सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की 50% से ऊपर की हिस्सेदारी है, उसको हम क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट कंपनी। चैरिटेबल कंपनी में याद रखना सेक्शन 8, नॉन प्रॉफिट कंपनी, जो नॉन प्रॉफिट कंपनी होती है ना, एक तो डिविडेंड नहीं दे सकती, पहली बात। दूसरी बात, नॉन प्रॉफिट कंपनी पैसा अपने ऑब्जेक्ट के लिए खर्च करेगी, काम चैरिटेबल, जो चैरिटेबल आर्ट, रिलीजियन, मेडिकल एक्सेट्रा, एजुकेशन, जो भी काम है उसके लिए खर्च करेगी। और जो नॉन प्रॉफिट कंपनी है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस। तो तीन तो उसकी कंडीशन है और चौथा उसको लाइसेंस ऑब्टेन करना है, यही फर्क है इसमें और नॉर्मल कंपनी में। नॉर्मल कंपनी में ये चीजें रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, पर इसमें आप डिविडेंड नहीं दे सकते, इसमें आपको लाइसेंस देना पड़ता है, पैसा ऑब्जेक्ट के लिए क्या करना होता है, खर्च करना होता है, तो ये एक्स्ट्रा कंडीशन है जो आपको चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेकर चलनी होती है, ठीक है। उसके अलावा कंपनी बनाने का प्रोसीजर हमने बात की हुई है, सबसे पहले हमें डिजिटल सिग्नेचर चाहिए, हमें डिन के लिए अप्लाई करना है, फिर नाम के लिए अप्लाई करना है, नाम आने के बाद हमें मेमोरेंडम आर्टिकल जो है उसको प्रिपेयर करना है, मिनिस्ट्री को सबमिट करना है, और वंस वहां से अप्रूव हो जाएगा तो कंपनी क्या हो जाएगी, रजिस्टर्ड। एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ये है, जो डेट मेंशन होती है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में, उसी दिन से कंपनी इनकॉर्पोरेट मानी जाएगी। और बच्चों इफेक्ट ये है, जो कंपनी के फीचर्स हैं, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, सेपरेट लीगल एंटिटी एक्सेट्रा, वो सब उसको मिल जाएंगे जैसी कंपनी क्या हो जाएगी, इनकॉर्पोरेट होगी, और जब तक नहीं होगी तब तक ये फीचर नहीं मिलेंगे। कॉमन सील अब ऑप्शनल है, मैंडेटरी है नहीं, या डायरेक्टरों के साइन करा लो या कॉमन सील लगा लो, एक ही बात है, जिससे आपको ठीक लगकर चले, मतलब अब ऑप्शनल हो गई, पहले मैंडेटरी। परपेचुअल सक्सेशन पे केस स्टडी आ सकता है कंपनी के, मान लो कंपनी की लाइफ मेंबर की लाइफ पर डिपेंड नहीं होती, कंपनी की लाइफ मेंबर की लाइफ पर डिपेंड नहीं है, एक मेंबर की डेथ भी हो गई तब भी कंपनी कंटिन्यू करेगी, लेकिन सेक्शन 3A की वजह से 6 महीने के बाद जो कंपनी बिजनेस करेगी, मेंबर की लाइबिलिटी वहां पे क्या हो जाएगी, पर्सनल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पर्सनल होकर चल जाएगी, समझ आया। और सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब कंपनी और उसके मेंबर दोनों क्या है, अलग अलग बातें होकर चलती हैं, ठीक है। प्रोसीजर आ जाए कंपनी बनाने का, वो गवर्नमेंट में, नॉन गवर्नमेंट, प्रॉफिटेबल, नॉन प्रॉफिटेबल में सब में सेम है, सिर्फ चैरिटेबल में आपको एक्स्ट्रा पॉइंट लिखने पड़ेंगे, जो 3-4 उसकी कंडीशंस है, यू नीड टू राइट डाउन एक्स्ट्रा कंडीशंस उस केस के अंदर। और साथ में हमारे पास बच्चों बाकी टाइप्स, बाकी जनरल टाइप्स ऑफ कंपनीज है, स्मॉल कंपनी पेड अप कैपिटल 50 लाख और टर्नओवर कितनी 2 करोड़ से ऊपर जाते ही आप क्या बन जाओगी, बड़ी कंपनी की डेफिनेशन में आ जाओगी। छोटी कंपनी में रहना है तो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन है, हायर लिमिट वहां पे जो स्पेसिफाई है उसका हमें अभी कोई यूज नहीं करना। होल्डिंग कंपनी, नॉन प्रॉफिट कंपनी कभी भी स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में नहीं आकर चलती, वो होती प्राइवेट कंपनी है और वही इसकी डेफिनेशन में आकर चलती है, समझ आया पॉइंट। तो बच्चों यही पार्ट है अल्टीमेट कंपनी लॉ में। तो शुरू में तो कंपनी का मीनिंग है, कंपनी मींस कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, जो रजिस्टर्ड है उसको कंपनी बोलते हैं हम लोग, और साथ में उसके फीचर्स आ जाते हैं। फीचर्स का जनरल क्वेश्चन है, इतना भी आसान नहीं आता पेपर। हाँ, परपेचुअल सक्सेशन पे आपको केस स्टडी आ सकता है, नो डाउट, ठीक है। कॉर्पोरेट विल,
या सेपरेट लीगल एंटिटी एक ही बात है, कॉर्पोरेट विल और सेपरेट लीगल एंटिटी एक ही बात है, तो मीनिंग आप लिख सकते हो, सोलोमन का केस उसके अंदर लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है उसके अंदर हमारे पास। समझ आया पॉइंट? कोई कंसेप्ट आपने पूछना हो तो पूछो आप कंपनी लॉ से रिलेटेड, लेकिन पढ़ना पीछे से, पहले पीछे से पढ़ना 5-6 डॉक्ट्राइन जो भी, फिर आगे डेफिनेशन, जो बीच का पार्ट है ना प्रमोटर, ये पार्ट ज्यादा नहीं आता। इसमें एक पॉइंट हमने पढ़ा नहीं, कंपनी ने फॉल्स इन्फॉर्मेशन देके कंपनी बनाई हो तो ट्रिब्यूनल के पास जाओ, पेनल्टी लगाएगा आपको, लाइबिलिटी अनलिमिटेड कर देगा, नाम डिलीट करना है तो नाम भी आपका क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। तो मतलब शुरू के पार्ट से पेपर आ रहा है, टाइप्स में से एक आधा क्वेश्चन आ रहा है और बाकी पार्ट कहां से आ रहा है, डॉक्ट्राइन से आ रहा है, डॉक्ट्राइन से आ रहा है। बाकी इसमें मेमोरेंडम आर्टिकल में ज्यादा सिलेबस का पार्ट नहीं है हमारे सिलेबस में कि उसके क्लॉजेस क्या हैं, वो छोटा सा पॉइंट है, उसमें है नहीं कुछ भी, तो वहां से चांसेस कम होते हैं पेपर आने के, क्योंकि उसका मैटर बहुत कम कवर है जो हमारे सिलेबस के अंदर है सीए फाउंडेशन के अंदर। डन है, पॉइंट क्लियर है सभी को? चलो एक बार स्टडी मटेरियल पे आ जाओ, बैक क्वेश्चन दिखाता हूं, इसके ज्यादा तो नहीं है। पेज 5.34 पे, 5.34 पे चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन, गारंटी कंपनी सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटी आता है हमें, कोई खास बात नहीं है बच्चों। सेकंड को इंपॉर्टेंट मार्क करो, सेकंड को इंपॉर्टेंट मार्क करो। क्वेश्चन है, नॉन प्रॉफिट कंपनी भी रजिस्टर्ड एज कंपनी, क्या वो हो सकती है? इफ सो व्हाट इज द प्रोसीजर? अब सुनिए बच्चों, वैसे तो देखो स्कैनर में देखोगे अलग तरह से आंसर मिलेगा, हमने बुक में भी पीछे बैक क्वेश्चन में अलग तरह से आंसर दिया है, मतलब हमने वो चार पॉइंट लिख के हमने फिर इसके आगे ना हमें प्रोसीजर लिखना होगा। पर इंस्टीट्यूट का आंसर देखोगे ना, अगर आप इंस्टीट्यूट ने कहा यस इस कंपनी को आप बना सकते हो, वही ऑब्जेक्ट लिखे, वही जो तीन इसके जो इसके तीन एक कंडीशन है वो लिखी इंस्टीट्यूट ने, और आगे लिखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा। इन्होंने प्रोसीजर नहीं एक्सप्लेन करा, इतना लिख दिया, रजिस्ट्रार ऑन एन एप्लीकेशन रजिस्टर सच कंपनी अंडर दिस सेक्शन, ऑन रजिस्ट्रेशन उसको प्रिविलेज मिलने क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। तो अगर चार नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, ये बस डिटो क्वेश्चन, और आया भी हुआ पेपर के अंदर, इंटर में आया हुआ, कहीं आया भी हुआ ऑलरेडी, तो आप इतना ही लिखना जितना इंस्टीट्यूट ने स्टडी मटेरियल में दिया, आपको प्रोसीजर लिखने की कोई जरूरत नहीं। अगर आठ नंबर में छह में आए तो राइट डाउन द डिटेल प्रोसीजर, जब इंस्टीट्यूट ने अपनी स्टडी मटेरियल में जो आंसर दिया है कि क्या नॉन प्रॉफिट कंपनी बन सकती है एंड व्हाट इज द प्रोसीजर, उन्होंने प्रोसीजर नहीं एक्सप्लेन करा, बस ये लाइन लिखकर छोड़ दी है, तो आप भी इसी को फॉलो करके चलना। अगर ये डिटो क्वेश्चन अगर 6-8 नंबर का आता है तो डिटेल प्रोसीजर यू कैन राइट डाउन, जो 5-6 पॉइंट्स है उसको आप लिख के चल सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, यू सी डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस कंसीक्वेंस, हमें पता ही है, हमने अच्छी तरह लिखा हुआ है तो हमें जरूरत नहीं यहां से पढ़ने की। एंड फोर्थ, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एन एक्सेप्शन, ये भी हमने लिखा हुआ है, इंडोर मैनेजमेंट और उसके एक्सेप्शन क्या है। अभी तक पेपर में अल्ट्रा वायरस कम आया है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस कम आया है, तो मुझे ऐसे लगता है कि नवंबर के पेपर में कंस्ट्रक्टिव नोटिस पे आपको शॉर्ट नोट मिल सकता है, अल्ट्रा वायरस पे आपको क्वेश्चन। इंडोर मैनेजमेंट तो हर बार ही आ रहा है, कॉर्पोरेट विल भी लगभग पेपर में आ रहा है, तो ये दो तो आ ही रहे हैं पेपर में, ये कम आया, मतलब कंस्ट्रक्टिव नोटिस कम पूछा, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको 5 नंबर में मिल जाएगा, डिफाइन कंस्ट्रक्टिव नोटिस, कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होकर चलता है। सो डन है, स्टडी मटेरियल का ये पार्ट हमारा डन है, टॉपिक हमने ये सब मैच किए हुए हैं, सब देखे हुए अल्टीमेटली, और जो केस स्टडी रेलेवेंट थे वो सब हमने लिखे हुए हैं। लाइक कॉर्पोरेट विल के तो हर पॉइंट में केस है, पर जो केस लर्न करना है दिनचर्या वाला वो मैंने आपको बताया है उसके अंदर, ठीक है ना। बाकी के तो पॉइंट्स आपको लिखने, 4 नंबर में 5 नंबर के क्वेश्चन में इतना बड़ा नहीं लिखने की जरूरत होती, वो हमने रेलेवेंटली ही लिखकर चला है जो हमारे पास है। अब आ जाओ उस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ प्लीज। चलो ये जो आपके पास क्वेश्चंस दिए हैं, कुछ आपको पेज 30 पे, पेज नंबर 30 पे चलिए पहला क्वेश्चन, चलिए अपने आप करिए, अभी करो। इसमें वही है बच्चों, सभी मेंबर्स की जा रहे हैं, उनकी डेथ हो गई, परपेचुअल सक्सेशन के ऊपर क्वेश्चन है। पेज नंबर 30 पे पहला क्वेश्चन अपने आप पढ़िए, सॉल्व है क्वेश्चन, एक बार देखिए।
30th पेज पे एक बार पढ़ लूं। तो बच्चों आपको पता ही है कंपनी बंद तो होने से रही, कंपनी के लाइफ मेंबर के लाइफ पे डिपेंड नहीं करती। सेकंड क्वेश्चन, डिफाइन ओपीसीज के रूल्स क्या है मेंबरशिप के और कैन इट बी कन्वर्टेड टू नॉन प्रॉफिट कंपनी। तो ओपीसी क्या होता है, इसके मेंबर, देखो यहां पे हमने मेंबरशिप के रूल्स तो लिख दिए, फिर आगे रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, तो मेंबरशिप के रूल्स मैंने अगले क्वेश्चन में डिफाइन किया, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन दो बार। सो डन है, मेंबरशिप के नेचुरल पर्सन ही बनेगा, सिटीजन होना चाहिए। फिर ये क्वेश्चन दोबारा आपके पास, ये दोनों क्वेश्चन एक बार पढ़ लो, ये तो सेम है डेथ वाला, और यहाँ पे ओपीसी के मेंबरशिप के रूल्स आ रहे हैं, क्या ये नॉन प्रॉफिट कंपनी में हो सकती है, बोले हो सकती है, यस और नो, क्या ओपीसी नॉन प्रॉफिट कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है, नो, मेंबरशिप के रूल्स हमें पता ही है उसके क्या होते हैं। तो नीचे आ रहा है आंसर, क्वेश्चन तो वही बनते हैं जो मार्क किए हैं, एक्स्ट्रा तो इंपॉर्टेंट नहीं बनते, क्योंकि देखते पता लगता है कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन है, बस हमने थोड़े क्वेश्चंस की कवरेज, थोड़ा वर्डिंग और पढ़नी आ जाए तो बस ये कोशिश करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 32 पे, अल्ट्रा वायरस क्या होता है, उसके कंसिक्वेंस क्या होते हैं। तो पता ही हमें अल्ट्रा वायरस और देखो क्वेश्चन वही है, ये अभी हमने बैक में देखा, स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन देखा अल्ट्रा वायरस कंसीक्वेंस, ये भी इंस्टीट्यूट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, तो वही क्वेश्चन आया हुआ, देखो अल्ट्रा वायरस क्या होता है, उसके कंसीक्वेंस क्या होके चलते हैं। फिर सेकंड है, एग्जामिन द रीजन करेक्ट इनकरेक्ट है, कंपनी बीन आर्टिफिशियल पर्सन कैन नॉट ओन प्रॉपर्टी एंड कैन नॉट बी सूड, बताओ ट्रू है कि फॉल्स है, फॉल्स है, कंपनी तो बच्चों आर्टिफिशियल पर्सन है, प्रॉपर्टी ले भी सकती है और केस कर भी सकती है, और प्राइवेट लिमिटेड के मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए और पब्लिक के साथ होने चाहिए, यस और नो, यस, प्राइवेट में 2 और पब्लिक के साथ ही होने चाहिए। तो आंसर आ रहा है यहां पे आपके पास, बच्चों आरटीपी आई है किसी के घर पे, कोरियर आया, कुछ कोई गाधे के घर पे भी नहीं आया, चलो कोई बात नहीं, नहीं आएगी तो फिर प्रिंट आउट निकाल के मैं वेट कर रहा हूं, आ जाए तो ठीक है, नहीं तो प्रिंट आउट निकाल के फिर मैं यहीं पे दिखाऊंगा आपको आरटीपी। आरटीपी हमें करंट अटेम्प्ट की करनी है, साइट के ऊपर ना बच्चों 2 मॉक टेस्ट पेपर है, 2 मॉक टेस्ट पेपर, वो मॉक टेस्ट ब्रांच भी लेगी, करनाल ब्रांच वही मॉक टेस्ट लेगी जो साइट के ऊपर है, तो चाहो तो ब्रांच में भी हम दे सकते हैं, चाहे तो हम अपने आप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मॉक टेस्ट पेपर ना सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होते हैं, मॉक टेस्ट और आरटीपी से एक आधा क्वेश्चन देखा हुआ एग्जाम में आ सकता है, एक आधा, ज्यादा तो नहीं, एग्जाम में डिटो क्वेश्चन आ सकता है, और लेकिन आप सोचो कि जो मॉक टेस्ट का पैटर्न होता है वही एग्जाम का पैटर्न है, नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा, एग्जाम का पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट है मॉक टेस्ट के पैटर्न से, आरटीपी से बिल्कुल डिफरेंट है, पर उसको पढ़ने का ये फायदा होता है कोई एक आधा नया क्वेश्चन मिल जाता है, कोई एक आधा नए कॉन्सेप्ट पे नया क्वेश्चन मिल जाता है, और एक आधा क्वेश्चन को देखा दिखाया कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, हर बार तो नहीं आता, बस यही फायदा होता है आरटीपी करने का, और कोई उसमें होते पास एग्जाम के क्वेश्चन है, मॉक टेस्ट देखोगे पास एग्जाम के क्वेश्चन, और आरटीपी देखोगे पास एग्जाम के क्वेश्चन, वो हमने सब करे हुए स्कैनर से, उसी का ही आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा, अलग से कुछ नहीं मिलेगा। फिर ये तो होमवर्क है आपके लिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का है, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का आपके लिए होमवर्क है, उसको हम रिवाइज कर चुके हैं क्लास में, आपके लिए आप पढ़ लेना इसको। फिर मिसरिप्रेजेंटेशन वाला, ये तो हम आपको टेस्ट में दे ही चुके हैं बच्चों, सूरज वाला, सोहन वाला जो क्वेश्चन ऑलरेडी आपने कर ही लिया है, और ये क्वेश्चन भी आपने ऑलरेडी करा हुआ है अप्रोप्रिएशन को लेके है, कि अप्रोप्रिएशन ये भी आपके लिए होमवर्क है, ये भी आपने ही करना है, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ खास बात नहीं है। फिर नो कंसीडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट भी हम कर चुके हैं, कंटिजेंट के रूल्स भी कर चुके हैं, ये तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए है भाई, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस पर फोकस जरूर करना, कंसीडरेशन की एक्सेप्शन क्या होती है, कंटिजेंट के रूल्स क्या होते हैं, बस यही दिखाए, बुक से तो पढ़े हुए टॉपिक हमने ऑलरेडी। फिर आपके पास सेल्स ऑफ गुडक के अभी हम वहां तक पहुंचे नहीं है, फिर बच्चों आप इस पेज पर आओ, कंपनी लॉ का जो ये पेज 43 पे, चलो पहला क्वेश्चन करो, 43 पेज पे पहला क्वेश्चन अभी करो। तो कितने मेंबर होते हैं प्राइवेट कंपनी में टोटल, मैक्सिमम 200, ज्वाइंट होल्डर काउंट होता है क्या 1, एम्प्लॉइज को काउंट नहीं करते, जॉब छोड़ चुके हैं तो भी काउंट नहीं करते, पढ़िए अपने आप पढ़िए, उसी के ऊपर है। तो अगर इसके मेंबर देखेंगे ना 190 तो ये हो जाएंगे, ये तो काउंट नहीं होंगे, ये 5 काउंट होंगे और ये 5 काउंट होंगे, टोटल कितने हो गए 200,
तो बोर्ड कह रहा है कि इसको प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना है और रिडक्शन ऑफ मेंबर नेसेसरी है, तो ये तो है ही, प्राइवेट कंपनी कन्वर्ट क्यों करना है, रिडक्शन की कोई भी जरूरत नहीं है। समझ आया? तो ऐसा, अब देखो पेपर में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, आप प्राइवेट कंपनी के फीचर्स लिखो, तीन फीचर है, 200 नंबर आर्टिकल के रिस्ट्रिक्शन वाला पॉइंट, तीन ही फीचर है छोटे छोटे से, और फिर इसको एनालिसिस में करके बताओ कि कौन कौन से काउंट होते हैं उसका एनालिसिस में, और कंक्लूजन सिंस नंबर ऑफ मेंबर 200 ही है तो कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है, इसके अंदर कन्वर्ट नहीं करना। अगर ज्यादा होते तो हमें उस केस में क्या करना होता, कन्वर्ट करके चलना पड़ता, ठीक है, इसमें तो हमें कोई जरूरत नहीं है। तो वही है देखो, ठीक है, पॉइंट क्लियर है सभी को। फिर बच्चों ये पढ़ो, 11th पढ़ो, ये आपके पास कॉर्पोरेट विल का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन हमने बुक में किया हुआ है, वो एक पर्सन है, रिच पर्सन है, उसने चार कंपनियां बनाई, रीद इंशा वाला, तो पहले जनरल रूल लिखोगे तो कॉर्पोरेट विल लिखा जाएगा, उसके बाद रीद इंशा का केस आ जाएगा इसके अंदर। पढ़ लो क्वेश्चन, पढ़ लो प्लीज क्वेश्चन, आपके लिए, आपने पढ़ना है। तो बताओ फॉर वर्क थ्री, तीन कंपनी किस पर्पस के लिए बनाई है, टैक्स की इवेजन के लिए, और क्या इनकी लीगल पर्सनैलिटी को डिसरिगार्ड किया जा सकता है, यस और नो? यस, क्योंकि बच्चों इवेजन ऑफ टैक्सेस का लॉ लिखा जाएगा, कंक्लूजन लिखा जाएगा, तो वही लिखे इन्होंने जनरल लॉ में, सोलोमन का केस, क्योंकि बच्चों कॉर्पोरेट विल आ रही है बीच में, और फिर आपके पास दिनशा का केस, रे दिनशा का केस, और कंक्लूजन में हमें पता ही है कि वो लीगल पर्सनैलिटी डिसरिगार्ड की जाएगी। तो क्वेश्चन अच्छा है, आंसर स्टडी मटेरियल का है, बस क्वेश्चन के ऊपर फोकस कराना है, बाय चांस पेपर में आ जाए। सेकंड सेम क्वेश्चन बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है, ये कहना नॉन प्रॉफिट कंपनी को हम रजिस्टर कर सकते हैं और क्या प्रोसीजर है, तो सेम क्वेश्चन जो अभी स्टडी मटेरियल से लिखा है वही आंसर है, यस वही आंसर है जो आईसीआई की स्टडी से लिखा है, बिल्कुल। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इंस्टीट्यूट वाले क्या करते हैं, नॉर्मल कंपनी का प्रोसीजर नहीं पूछते, नॉन प्रॉफिट का ज्यादा पूछेंगे पेपर में, तो इसलिए हमने क्वेश्चन को बार बार फोकस कर रहे हैं कि नॉन प्रॉफिट वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बच्चों अगर आप तसल्ली से पढ़ोगे ना तो कोई क्वेश्चन गलत होने का वो मतलब ही नहीं होगा, एक आधा क्वेश्चन जरूर मैं मानता हूं तंग थोड़ा सा करेगा आपको, ज्यादा सोचने के लिए मजबूर करेगा, बाकी कोई ज्यादा क्वेश्चन आपको मजबूर नहीं करेंगे पेपर में सोचने के लिए। और पेपर कैसा बनाता है इंस्टीट्यूट की अपनी चॉइस है, बहुत मुश्किल बनाता है, मीडियम बनाता है, बहुत ज्यादा सिंपल बना देता है, सारी सिंपल क्वेश्चन डाल देता है, इट डिपेंड्स कि उन्होंने कैसा पेपर बनाना है। लेकिन कंपनी लॉ से 15 नंबर का पेपर है आप मान के चलो, और हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों। फिर अगले उसमें आ जाते हैं पेज नंबर, इसमें कंपनी लॉ में 52 पेज पे पॉइंट नंबर सी, 52 पेज पे पॉइंट नंबर सी, ये भी वही क्वेश्चन है, 230 मेंबर, बताओ इसका एनालिसिस करके प्राइवेट कंपनी है कि नहीं है, ये कितने काउंट हो गए, 180, 190, 190 ही हो गए ना, तो प्राइवेट कंपनी है। तो अच्छा पहले प्राइवेट कंपनी का मीनिंग लिखना है, उसका वो लिखना है। तो क्वेश्चन में पूछा है, देखो वैसे उन्होंने पब्लिक कंपनी बताई है, क्वेश्चन में पूछा है कि वो चाह रहे हैं प्राइवेट में कन्वर्ट करना है, और क्या नंबर ऑफ मेंबर की रिडक्शन जरूरी है, रिडक्शन की जरूरत ही नहीं है, तो ऑलरेडी कम है, रिडक्शन की क्या जरूरत है हमें। फिर आपके पास बस अभी इतना ही, इसमें से इतना ही क्वेश्चन अभी। तो बच्चो अब ये पार्ट हमारा डन हो गया है, तो आज जाके आप लोग कंपनी लॉ को पढ़ो और टेस्ट की तैयारी करो, कंपनी लॉ की टेस्ट की तैयारी करो, कंपनी लॉ की आपको 8-9 क्वेश्चन लिखने को मिलेंगे टेस्ट में, लेकिन प्लीज बैक से पढ़ना, डेफिनेशन अच्छी तरह से पढ़ना, ठीक है, जो कंपनी लॉ का हमारा पार्ट है।